नालागढ़ हेरिटेज पार्क में। तो एसडीएम साहब की वो होगी है, देना नालागढ़ के लिए बढ़िया। तो इनके साथ हम पूरा पार्क घूमेंगे। तो ये दो चार सीढ़ियां उतर कर देखते हैं कि कैसा लगता है। बड़ी खुशी की बात है कि मेहर सिंह जी मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं। यह माली के बिना कोई भी बाग ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। इन्हीं के पुण्य कार्यों का प्रताप है। बचके देख रही थी ना, बचके देख रही थी। 8-10 अंडे हैं इसके नीचे। मैं हूँ इसमें नालागढ़ में, नालागढ़ हेरिटेज पार्क में। मेरे साथ हैं ठाकरदास जी। ठाकरदास जी केयरटेकर हैं इस पार्क के। तो ठाकरदास जी, बड़ी खुशी हुई कि आपसे भेंट हुई। आपसे इस पार्क के बारे में जानकारी लेना चाहूंगा। क्या आप बता पाएंगे कि ये पार्क लगभग कितने इसमें से बना होगा? कम से कम 7-8 साल हो गए सर इसको बने हुए। अच्छा, 7-8 साल हो गए बने हुए, ठीक। तो यहाँ पे जो पहले एसडीएम साहब थे, उन्होंने फिर शहर वालों के लिए घूमने के लिए पार्क वगैरह और यहाँ पे बोटिंग वगैरह लगा के बढ़िया तरीके से इनको मेंटेन करके ठीक शहर वालों के लिए बना दिया है। यहाँ पे अपनी योगा वगैरह, कोई एक्सरसाइज करने आ रहा है, कोई सैर करने आता है, कोई अपनी फैमिली को घुमाने आता है, बड़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं। अभी ये झील मैं देख रहा हूँ पीछे, काफी अच्छी खूबसूरत झील है। तो इस झील के बारे में आप बताएंगे कि ये लगभग कितनी पुरानी होगी? कम सर ये बहुत पुरानी है, बुजुर्गों के टाइम की है हमारे ना। हाँ, तो इसका मतलब ये काफी पुरानी है। हाँ जी, जहाँ गाय भैंसे वगैरह पानी पीने आती थी। 40 साल तो मेरे को हो गए सर इसको देख के। इससे पहले की है? हाँ जी, ठीक। तो इसका नवीनीकरण अभी अभी हुआ होगा कुछ साल पहले? 8 साल पहले सर। अच्छा, 8 साल पहले। हाँ जी, यहाँ पे जिस्टा साहब आए थे, एसडीएम साहब। हाँ हाँ, तो उन्होंने किया था इसका। अच्छा, एसडीएम जिस्टा साहब ने? हाँ जी, इसका नवीनीकरण करवाया था। हाँ जी, हाँ जी सर। पे पार्क था नहीं कोई बढ़िया, तो इन्होंने यहाँ पे बढ़िया करवाया था। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आइए थोड़ा चलते भी रहे। एक शान नालागढ़ की मैं इस पार्क को कहूंगा, जहाँ सुबह से शाम तक रौनक रहती है, लोग आते जाते हैं। सुबह सुबह योगा वगैरह करने के लिए भी लोग आते होंगे? बहुत आते हैं सर। हाँ, तो एसडीएम साहब की वो होगी है, देना नालागढ़ के लिए बढ़िया। तो उनको तो हमेशा नालागढ़ के लोग याद करेंगे, याद करेंगे सर, कि उन्होंने एक अच्छी चीज यहाँ भेंट की है लोगों को। बढ़िया। तो ये जो नालागढ़ की शान है, इसका मुख्य आकर्षण ये झील तो है ही है, जैसा कि अभी बताया कि काफी पुरानी झील है, लेकिन 7-8 साल पहले इसका नवीनीकरण किया गया। इसके साथ में शिव मंदिर है, बहुत पुराना सर। हाँ, शिव मंदिर भी यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है। हाँ, और शहीद पार्क भी यहाँ का मुख्य आकर्षण है। हाँ, तो हम सारी चीजें आपको घुमाएंगे। ठाकरदार जी, आपने अपना उर्फ नाम बताया था लक्की। लक्की, तो ये लक्की नाम से प्रसिद्ध है इस पूरे क्षेत्र में। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनके साथ हम पूरा पार्क घूमेंगे, देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो ये तालाब है, मैं देख रहा हूँ कि 3 इसके गेट हैं। बोटिंग की भी सुविधा इस तालाब में है। और आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो इस तालाब का है। कुछ पक्षी हैं, बतखें यहाँ मैं देख रहा था, अभी तैर रही थी, अभी नज़र नहीं आ रही, वो सामने चली गई हैं, वहीं वो आनंद ले रही हैं अभी। तो ये 2-4 सीढ़ियाँ उतर कर देखते हैं कि कैसा लगता है। ये सीढ़ियाँ उतरकर मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ से दिख रहा है पूरा का पूरा खुला दृश्य इस झील का। झील कहूँ या सरोवर इसको कहूँ, यहाँ तालाब लिखा गया है, तो तालाब अच्छा लग रहा है इस जगह के लिए। तो एक बोट सामने लगी है, बोटिंग की सुविधा यहाँ है। सामने है एक कैफे जहाँ बैठकर आप झील का आनंद भी ले सकते हैं और चाय कॉफी और स्नैक्स आप ले सकते हैं वहाँ। स्टेज है अपना। अच्छा, बच्चों के प्रोग्राम के लिए। अच्छा, बच्चों के प्रोग्राम होते हैं वहाँ, फंक्शन वगैरह करना किसी ने? ठीक ठीक ठीक, स्कूलों के बच्चों के। हाँ, वहाँ एक स्टेज है, हम जाएंगे अभी वहाँ तक भी। इनको थोड़ा काम था, अभी इनको फोन आया है, तो वो अभी चले गए हैं, कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद वो मेरे पास फिर आएंगे। तब तक आइए हम घूम लेते हैं यहाँ थोड़ा सा। यहाँ है भगवान बुद्धा की मूर्ति। भगवान बुद्ध जी ने अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया। इस परिसर में पालतू जानवर ना लाएं। बतखे तो यहाँ हैं जो सिर छिपाए हुए हैं और बड़ी ध्यान मगन यहाँ खड़ी हुई हैं। सूर्यास्त होने में थोड़ा सा समय बाकी है और यहाँ जल दर्पण में हम सूरज की प्रतिछाया देख रहे हैं, जो यहाँ के दृश्य को और भी मनोहर बना रहा है। मैं घूमने निकला था, पीछे बहू बेटा और हमारी श्रीमती भी आ गई। श्रीमती तो कहीं पोते के साथ
वो सामने कहीं घूम रही है। अच्छी बात है कि ये भी यहाँ आ गए। तो इसी पार्क में भेंट हो गई मेहर सिंह ठाकुर जी से। बड़ी खुशी की बात है कि मेहर सिंह जी मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं। मेरे लिए मेरे विद्यार्थी ही सब कुछ हैं। मेरे विद्यार्थियों का प्रेम है, जो जिस भी मुकाम पर मैं पहुंचा हूं वो मेरे विद्यार्थियों के कारण है। तो मेहर सिंह जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। आप यहाँ क्या करते हैं आजकल नालागढ़ में? मैं कुल्लू शॉल हैंडलूम का काम करता हूँ। अच्छा, कुल्लू शॉल हैंडलूम का, वो गेट पर मेरे ख्याल आपकी शॉप है जी। तो ठीक है, आपकी शॉप पे जाएंगे और देखेंगे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो अभी लक्की जी और मेहर सिंह जी हमें ले जा रहे हैं शहीद पार्क की ओर। यहाँ है स्टेडियम। लक्की जी ने मुझे बताया अभी कि यहाँ कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के कार्यक्रम होते हैं। तो ये खूबसूरत है। यहाँ पे हमारे रेड क्रॉस के मेले वगैरह। अच्छा, रेड क्रॉस के मेले वगैरह होते हैं। अच्छा, ये आसपास लोगों के बैठने के लिए जगह है और बीच में ये स्टेज है। हाँ, बच्चों को नाच सिखाने का कोई फंक्शन। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं वो यहीं आयोजित किए जाते हैं। इसी के दाईं ओर है शहीद स्मारक। तो यहाँ जैसे तक हम जा सकते हैं, आगे तो पाबंदी है। तो यहाँ सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी का चित्र लगाया गया है। महान विभूतियाँ हमारे देश की रही हैं, जिन्होंने अपने सिर कटा दिए लेकिन सिर को झुकने नहीं दिया अंग्रेजों के सामने। इन्हीं के पुण्य कार्यों का प्रताप है कि आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। यहीं साथ ही कुछ तस्वीरें हैं युद्धरत वीर सेनानियों की, जो हिम्मत और उत्साह से हमें भर देती है। अपने वीरों की शौर्य गाथाएं हम भारतवासी युग युग तक याद करते रहेंगे। तो नालागढ़ हेरिटेज पार्क में नालागढ़ हेरिटेज सोसाइटी द्वारा जन सहयोग से निर्माण किया गया है इस शहीद स्मारक का, और 23 मार्च 2022 को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था। ये माली, ये नगर परिषद जुड़े हुए हैं अपने रोशन लाल जी। अच्छा, माली के बिना कोई भी बाग ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता जी सर। माली का होना बहुत जरूरी है। दिल जान लगा के काम करते हैं सर। बहुत बढ़िया है, तभी तो ये चमका हुआ है इतना। क्या नाम बताया आपने? रोशन लाल जी। रोशन लाल जी यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्य है ये माली का। अच्छा अच्छा, ये मेहरचंद जी के मामा जी हैं। सास की साल से यहाँ पे कुल्लू शॉल लगा रहे हैं। कैसा है नालागढ़ में कुल्लू शॉल का बिजनेस? अच्छा है। सरोवर में इसमें फवारा भी शुरू कर दिया गया है शाम के समय। दिन भर तो ये बंद रहता है लेकिन शाम के समय इस फवारे को शुरू कर दिया जाता है। तो अभी तो चार चांद लग गए हैं यहाँ के सौंदर्य में। सुरमई शाम और ये सरोवर में उठते फवारे की तरंगे मन मोह रही है। पहले जैसे सोई हुई थी बतकें, अभी झील की ओर जा रही हैं, इस तालाब की ओर, सरोवर की ओर। काश ये तैरती अभी, तो मैं उसको भी कैद कर लेता, अच्छा लगता। लग तो रहा है कि ये तैरने के मूड में हैं शायद। ओह, पानी पी रही हैं, प्यासी हैं। बच्चे कहाँ आए हो आप बेटा? बोलो बोलो, शर्माओ मत। शर्मा रही हो, कोई बात नहीं। अभी अभी तुम बतके देख रही थी ना, बतके देख रही थी, कैसी लगी बतके? हाँ, मम्मा कह रही है कि शर्माती बहुत हैं। कोई बात नहीं, अगली बार मिलूंगा तो शर्माना मत हैं। ठीक है, ओके ओके। लक्की जी बता रहे हैं कि वहाँ बतकों के अंडे भी हैं सुरक्षित रखे हुए, तो ये मुझे विशेष तौर पर ले जा रहे हैं अंडों को देखने के लिए। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको बतकों के अंडे। उसके ऊपर, अच्छा अच्छा, अंडे पर तो बतख बैठी है, अंडा तो नहीं मिलेगा, देखना बच्चे। काफी अंडे है, 8-10 अंडे हैं इसके नीचे। अच्छे, तो हम बढ़ रहे हैं शिव मंदिर की ओर। शुरू में ये दाईं तरफ शनि मंदिर है, उसके बाद है शिव मंदिर।